हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? देखो ध्यान नाल, नेक्स्ट टॉपिक है साडे कोले, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, असी फंक्शन किते ओदे विच 1 1 ऑन 2 कीता, सिंगल फंक्शन सी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिंच दो तरह दे होणगे, वेखो की है, ए बी सी आर 3 सेट्स। हुण साडे कोल दो सेट नहीं, 3 सेट बन गए। ठीक है, एफ ए टू बी मैपिंग करूगा, जी फंक्शन है, एक होर फंक्शन होगा जिहड़ा बी टू सी मैपिंग करूगा। वी टू फंक्शंस बी टू फंक्शन, दैन कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी नोट बाय एफ ऑफ जी। इनू एफ ओ जी का मतलब है एफ ओ जी ऑफ एफ लिखा, जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ, ऑफ नू शॉर्ट दे विच ओ लिखा हुआ। ठीक है, ऑफ नू ओ लिखा हुआ, आ वाला ऑफ नहीं समझना, जे जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ नहीं गा। ठीक है, जी ऑफ फिर एफ, इतने एफ आ वाले ऑफ नू असी ओ नाल नोट कर दे, जी ऑफ आ ऑफ है आ एफ। ठीक है, दो फंक्शन है, एक जी फंक्शन एक एफ फंक्शन। ठीक है, तेन एफ जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो ध्यान, मैं इतने बना के देना, जी ओ एफ नाल एक्स है हुण। ठीक है, इहदा मतलब है जी ऑफ ब्रैकेट वाली एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एनू सॉल्व करना वा, किवें सॉल्व करांगे देखदे आपां। ठीक है, वो कहिंदे वी आल्सो नोन द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और रिजल्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए फंक्शन। इहनू फंक्शन ऑफ फंक्शन तां कहिंदे ही आ, इन रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। जी ऑफ एफ इज रिप्रजेंटेड बाय द डायग्राम एज बिलो, ए डायग्राम नाल बना सकते हैं। जे एक्स नी एफ ऑफ एक्स बनाते ही अगे एफ की मैपिंग अगे बी दी ए दी मैपिंग बी ने की, एक्स है जो एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर बन गया। ठीक है, अगे जाके जी ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, ए असी जेड लिखा करा। ठीक है, गां जेड के बराबर बन जा करूगा। ठीक है जी, हुण जेड फिर एक्स बन जाए, जे सिंगल सिंगल मैपिंग हो 1 1 है, जे जेड फिर इधर जाके एक्स बन जाए फिर वह ऑन टू है, सारा फंक्शन उवें चलूगा। सीधी मैपिंग वेखिए तां इहनू कहिंदे आ जी ऑफ एफ, जी ऑफ की बन गया एफ। ओके आ, तां इह इहदी डायग्राम दित्ती उन्होंने, इहनू ध्यान नाल वेख लेना। ठीक है, एक अद्धी थ्यूरम है जिहदे विच उन्होंने समझाया वा वी 1 1 की हुंदा ते ऑन टू की हुंदा। देखो ध्यान नाल, थ्यूरम फस्ट, एफ ऑफ ए टू बी मैचिंग मैपिंग जी दी बी तो सी मैपिंग आर 1 1। ठीक है, ए की है 1 1 एंड जी ऑफ एफ ए टू सी दी मैपिंग होवे इज आल्सो 1 1। ठीक है, जिवें ए तो बी होवे, बी तो सी होवे, तां ए तो सीधी सी हो जावे, ए भी की है 1 1। ठीक है, एफ ऑफ जी एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 इन्हां दोनों नूं इक्कल लै लिया। ठीक है, असी एक्स 1 एक्स 2 बराबर करना, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 ए दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए जो फिल करा तो यह चीज़ आजगी, तो यदा एक्स 1 एक्स 2 बराबर हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ की है इज ऑलसो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हूँ असी ऑन टू बारे समझते, ऑन टू की है, देखो ध्यान नाल, ए तो बी, बी तो सी एंड जी ऑफ एफ ए टू सी इज ऑलसो ऑन टू, जेड लै लिया कोई बिलोंग करता सी नू। ठीक है, असी हमने किया ही ए तो बी तो आप लै लें, आह एक्स हो गया, आह वाई बन जाता, जो असी अगला सी लेने बी तो सी ए की बन जूगा, जेड फंक्शन बनूगा जेड। ठीक है, इनू एफ ऑफ एक्स कहते ही, इनू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स गां होर ब्रैकेट च अगे पै जाता। ठीक है, तो देखो ध्यान नाल, असी जेड बिलोंग टू सी इज आर्बिट्रेरी एलीमेंट, दैन देयर एग्जिस्टस दी प्री इमेज वाई ऑफ जेड अंडर जी सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, जां सीधा जी ऑफ वाई बराबर जेड हो जाए, जां वाई बिलोंग टू बी है, देयर एग्जिस्टस एक्स इज सच एज दैट एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनू भी ऐ लिखते आप लिख देने एफ ऑफ एक्स, ऐ लिखते ऑफ का मतलब ब्रैकटा, उमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है जी वाई बन जाए, फिर यह जेड के बराबर बन जाए, तो फंक्शन की हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू बन जूगा। ठीक है, तो देखो ध्यान ना, अगे चलते हैं, अगली थ्योरम है जी, उन्हें भी आ कुछ प्रूव करने आया करने के, असी ए तो बी की मैपिंग, बी तो सी दी, सी तो डी दी,
चार जने मैपिंग हो गए एफ ऑफ जी एफ जी ऑफ एफ बराबर एच ऑफ जी ऑफ ओ एफ है जोड़ा वो बराबर करना वेखो ध्यान एच ओ एफ ओ जी बराबर है एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स ठीक है। जो असं इन्हों भरा ना फंक्शन के सू क्लीयर हो जाएंगे भी ये किमें करने हैं ठीक है। अगे इदा दा गां की गां इन्हों करी जाना ठीक है जी। फंक्शन पुट करके पता लगेगा क्लीयरेंस थोड़ू उत्थे जाके होगी भी किमें करना इन्हों ठीक है। चलो वेखते हैं एग्जैम्पल्स करते हैं सारी गल थोनू एग्जैम्पल्स क्लीयर करनी है। एग्जैम्पल ले ली आर टू आर एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस टू है ठीक है। एफ ऑफ एक्स असी एफ ऑफ एक्स करना एफ ऑफ एक्स हूँ वेखो एफ ऑफ एक्स यानी आ वाला हिस्सा वा जरा आ वाला हिस्सा लाई करता एक्स ठीक है। जिन्ना भी है इतने किन्ना एफ ओफ एक्स थ्री थे एक्स की थान से भरता एफ ओफ एक्स प्लस टू ठीक है। हूँ एफ ओफ एक्स कि फिर अगे भरया जाना आ वाला उसकी वैल्यू में भर जानी है ठीक है। सोल्व करके गए नाइन एक्स प्लस एट ठीक है। देखो ध्यान मैं तुम्हें करके विखा दिना अही एफ ओफ एक्स कटना वा ठीक है। जिदे एफ ओफ एक्स साढ़े को थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू देखो ध्यान असी एफ ओफ हूँ इतने एक्स इतने थ्री एक्स है ठीक है। इतने एफ ओफ एक्स इतने की बन जूगा थ्री ऑफ एफ ओफ एक्स प्लस टू ठीक है। थ्री ऑफ हूँ एफ ओफ एक्स का मुल साढ़े को भर दो थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू तीन ती नौ एक्स प्लस तीन दूनी छे प्लस दो नौ एक्स प्लस अठ साढ़े को आंसर आ गया ना गया नौ एक्स प्लस अठ साढ़े को आंसर ठीक है जी। यहाँ सोल्यूशन से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो एफ ओफ एक्स दिता हुआ सानू ये वाला एफ ओफ एक्स करना वा एफ ओफ एक्स जिते जिते एक्स सी उत्थे एफ एक्स भरता हूँ इतने एफ एक्स भरया वो एफ एक्स की वैल्यू फिर दोबारा भरती सोल्व किया साढ़े को एक्स की वैल्यू होजूगी ठीक है। जिन्ना भी आऊगा वो आंसर होगा ठीक है। सोल्व करते डिपेंड करता भी कि बनेगा ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं ध्यान देखो अगला क्वेश्चन है आर टू आर डिफाइन एफ ओफ एक्स एडा वड्डा हुण ध्यान ना करियो एफ ओफ एक्स कढ़ना असीं की करना जिथे जिथे एक्स उत्थे एफ ओफ एक्स भर देना एफ ओफ एक्स भरता एक्स स्केयर सी एफ ओफ एक्स स्केयर हो गया एफ ओफ एक्स सी थ्री दे नाल एफ ओफ एक्स हो गया प्लस टू ठीक है। हुण जिथे जिथे एफ ओफ आया उत्थे एफ एक्स की वैल्यू भरती ठीक है। मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करके साढ़े को वाला आंसर आ गया ठीक है जी। इदा गांह दियां भरी जाना तो करी जाने ठीक है। उन्होंने मैनशन किया होगा भी असं की करना तो की नहीं करना ठीक है। चौथी एक एग्जैम्पल आ एफ साढ़े को टू थ्री फोर फाइव दिता इनकी मैपिंग थ्री फोर फाइव नाइन नाल होंगी है जी ऑफ आह दिता इनकी मैपिंग इन फंक्शन है एफ ओफ टू की होगा थ्री के बराबर इधर दिता है ठीक है। एफ ओफ थ्री फोर के बराबर एफ ओ फोर फाइव के बराबर ठीक है। एफ ओ फाइव अगे एफ ओ फाइव एफ ओ फोर एफ ओ फाइव से फाइव दोनों फाइव के बराबर दिते हैं ठीक है। एफ ओ फाइव बराबर की लै लिया नाइन ए एफ ओ फाइव की है नाइन के बराबर से ठीक है। चलो कोई नहीं आप अगे जाके वेखते हैं इन्होंने की किया वा ठीक है। ये उन्होंने स्टेटमेंट है ठीक है। आप इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ला सकते भी किमें बनाई है। उन्होंने दो फंक्शन अलग से करते भी एफ ओ फाइव है जोड़ा वो फाइव में भी बिलोंग करता वा तो नाइन भी तो नाइन उन्होंने वे लिया नहीं है इस करके एफ ओ फोर एफ ओ फाइव है जो फाइव से बिलोंग करते हैं ठीक है। चलो वो स्टेटमेंट आ स्टेटमेंट के जो दिता आप उ रखते हैं फिर वो कहें फाइव हैंड करना जी ओ एफ ऑफ टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव टू टू किमें क्डा यदा मतलब है जी ओफ एफ ओफ टू आ गया एफ ओफ टू एफ ओफ टू की है एफ ओफ टू हैगा साढ़े को थ्री इतने थ्री भरता हूँ एफ जी ओ थ्री आ गया जी ओ थ्री की वैल्यू इतों आऊगी जी ओ थ्री कि वा जी ओ फोर यानी कि सैवन सैवन के बराबर ठीक है सैवन आ गया ठीक है। इस तरह अगे दी अगे जिमें हम एक आ वाला कर लें अपन जी ओफ एफ ओफ जी गोफ फाइव जी ओफ एफ ओफ फाइव ठीक है। हूँ वेखो असी एफ ओ फाइव पहला भर लेना कि गया फाइव फाइव भरता जी ओ फाइव कि वा वो हैगा वा ग्यारह ग्यारह भर ग्यारह आंसर आ गया ठीक है। इदा है कि इन्हें आप सोल्व करी जाना ठीक है। अगे एक साढ़े को मोड वाला फंक्शन है मोड वाले फंक्शन एफ ओफ एक्स दिता एक्स जी ओफ एक्स दिता फाइव एक्स माइनस टू ठीक है जी। तो ए वाला फंक्शन अं पता करना
एफ ओफ एक्स बराबर है एक्स मोड, जी ओफ एक्स 5x माइनस 2 का मोड। ठीक है, जी ओफ एफ पता करना अभी तो फिर एफ ओफ जी पता करना, दोवें बराबर करने हैं जो बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, जी ओफ एक्स एफ ओ जी ओफ एफ ओफ एक्स का मुल की है मोड, एक्स जी ओफ एक्स मोड। ठीक है, यानी कि जी ओफ एक्स आह वा जिथे इतने एक्स होगी उत्थे मोड भर देना एक्स का मोड। ठीक है, सोल्व कर लिया इन्ना गया, फिर जी ओफ एक्स कटिया यदा मोड। ठीक है, यदा वक्रो वक्रा जानी कि अभी कट लेंगे, सोल्व करी जाने बराबर करी जाने जो होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, डिपेंड करता, सोल्व ही करने बस फाइंड करने गए उन्होंने। एफ ओफ एक्स यह है, जी ओफ एक्स यह है, एफ ओफ जी पता करना, एफ ओफ जी के नाल एक्स है जो इधर ले जाना, जी ओफ एक्स, जी ओफ एक्स का मुल हैगा साढ़े को, जी ओफ एक्स एक्स स्केयर माइनस वन, एफ ओफ आह आ गया, एफ ओफ एक्स का मुल की है अंडर रूट एक्स। हुण अंडर रूट के जिन्ना एक्स अक्षर कढ़ना बिच लिखा एक्स स्केयर माइनस वन। ठीक है, तो उवें जी ओफ एक्स ओफ एक्स आ, जी ओफ एफ ओफ एक्स बन गया, एफ ओफ एक्स का मुल की है अंडर रूट एक्स, जी ओफ अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस वन, क्योंकि जी ओफ एक्स की है साढ़े को एक्स स्केयर माइनस वन, एक्स स्केयर की है एक्स की है साढ़े को अंडर रूट का स्केयर माइनस वन या गया एक्स माइनस वन, ये फाइंड हो गया। ठीक है, इदा यह क्वेश्चन है, ये तुम ट्राई कर लेने, तुम पता लग जाएंगे भी किमें किमें करना। ठीक है, इस तरह यह ट्राई कर लेने सारे। ठीक है, तो इन्हों ट्राई करो, फिर उस तो बाद दसागे किमें करने हैं। ठीक है, ओके, एस ओफ जी जी ओफ एफ सारे ने कढ़ना सीखना वा। ठीक है, ये वन वन किमें कढ़ना वा, वो चीज़ा तुम मैं नैक्सट लैक्चर के दसूँगा। सिर्फ एफ ओफ जी कढ़ना जी ओफ एफ कढ़ना सीख लो, तो उन्होंने बराबर करना सीख लो। ठीक है, हुण आ वाला बराबर वाला क्वेश्चन है, वेखो ध्यान नाल, साढ़े को एग्जाम्पल है एन टू एन, जी है एन टू एन, तो एच है एन टू आर, डिफाइन एज एफ ओफ एक्स है जी ओफ एक्स, जी ओ वाई है तो एच ओफ जैड है। ठीक है, वेयर एच जैड बिलोंगस टू एन, शो दैट एच ओ जी ओफ एफ एच ओ जी ओफ एफ। ठीक है, इन दोनों इक्वल करना, वेखो ध्यान नाल करांगे, जो करांगे पहला अक्षर लिख लिया असीं आह वाला एच ओ जी ओफ एफ, इहदा मतलब है एच ओफ ओफ ब्रैकट दे विच जी ओफ फिर ब्रैकट दे विच एफ ओफ एक्स। ठीक है, हुण एफ ओफ एक्स का मुल भरिया टू एक्स, एफ ओफ एक्स के बराबर टू एक्स, हुण जी ओफ एक्स दे विच जी ओफ एक्स थ्री वाई प्लस टू है, जिथे जिथे वाई उत्थे भरना टू एक्स, उत्थे टू एक्स भरता, सोल्व किया सिक्स एक्स प्लस फोर बन गया। ठीक है, हुण वेखो ध्यान नाल अगे एच, एच की है साइन जैड। ठीक है, उत्थे जैड का मुल भरिया सिक्स वाई प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, उत्थे ए भरया गया साइन की जगह पर। ठीक है, क्योंकि एच का फंक्शन साइन फंक्शन, बस उस तो बाद इधर आ जाओ, ये भरया ए उल्टा टू एक्स भरया, फिर टू एक्स वैल्यू भरी। ठीक है, फिर सिक्स एक्स प्लस फोर आ गया, फिर यह भी साइन एक्स का सिक्स एक्स प्लस फोर आ, क्योंकि एच इन्हें भी बाहर से गए। ठीक है, तो दोनों फंक्शन की आ गए इक्वल आ गए, तो ध्यान ना करने हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये वाले फिल करने सीख लो सारे, वन वन से इनका ऑन टू मैं थोड़ा कल वाले लैक्चर कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान ना वेखो, ध्यान ना करो। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।